दोस्तों आज सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि आप लोगों के लिए नव वर्ष सुख और समृद्धि लाए। मैं आपका दोस्त सीके आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सीके टेक में। यूं तो पाश्चात्य सभ्यता की तर्ज पर हम नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू नववर्ष 1 जनवरी को नहीं बल्कि किसी अन्य दिन मनाया जाता है। जी हाँ, हिंदू नववर्ष चैत्र महीने की पहली तारीख यानी चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाता है, जो हर बार मार्च के आखिर या अप्रैल महीने में होता है। ऐसे में हिंदू नववर्ष की बात करें तो इस बार 6 अप्रैल को हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, यानी कि चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष शुरू हो जाएगा। हिंदू नववर्ष के पहले दिन को नव संवत्सर भी कहा जाता है, जिसे विक्रम संवत्सर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू नववर्ष या हिंदू कैलेंडर के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी हम अपने व्रत त्योहार हिंदू कैलेंडर और हिंदू तिथियों के आधार पर मनाते हैं। घर में शादी हो या फिर कोई और शुभ कार्य, सभी कुछ हिंदू कैलेंडर या पंचांग को देखकर किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की थी, यही कारण है कि इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज 6 अप्रैल शनिवार से नया हिंदी वर्ष यानी संवत्सर 2076 शुरू हो रहा है। इस संवत्सर का नाम परिधावी है। हिंदी नववर्ष के राजा शनिदेव हैं और मंत्री सूर्य हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा मनाई जाती है। इस तिथि से चैत्र मास की नवरात्र भी शुरू होती है। ग्रंथों में लिखा है कि जिस दिन सृष्टि का चक्र प्रथम बार विधाता ने परिवर्तित किया, उस दिन चैत्र मास की प्रथमा थी। हिंदू नववर्ष अंग्रेजी माह के मार्च अप्रैल में पड़ता है, इसी कारण भारत के सभी शासकीय और अशासकीय कार्य तथा वित्त वर्ष भी अप्रैल मास से ही प्रारंभ होता है। चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को इस सृष्टि का आरंभ हुआ था। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है। इस दिन ग्रह और नक्षत्र में भी परिवर्तन होता है। हिंदी महीनों की शुरुआत इसी दिन से होती है। पेड़ पौधों में फूल मंजर कली इसी समय आनी शुरू होती है। वातावरण में एक नया उत्साह होता है और मन को प्रसन्नचित कर देता है। इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। भगवान विष्णु जी का प्रथम अवतार भी इसी दिन हुआ था। नवरात्र की शुरुआत भी इसी दिन से होती है, जिसमें हम लोग उपवास एवं पवित्र रहकर इस नववर्ष की शुरुआत करते हैं। नववर्ष एक उत्सव के रूप में पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तिथियों तथा विधियों से मनाया जाता है। विभिन्न संप्रदायों के नववर्ष समारोह भिन्न भिन्न होते हैं और इनके महत्व की भी विभिन्न संस्कृतियों में परस्पर भिन्नता है। दोस्तों, यह थी हिंदू नववर्ष यानी नव संवत्सर के बारे में कुछ रोचक जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।